हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर जी. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा. जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR. और यह है मेरा चैनल. इस चैनल पर हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड एजुकेशन देते हैं. ऑल माई इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली रेफरेंस फ्रॉम द US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, सो यू कैन ट्रस्ट दिस इन्फॉर्मेशन. आज हम बात करेंगे व्हाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स के बारे में. क्यों आपके बाल सफेद हो रहे हैं, क्यों आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, उसके क्या क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स. क्यों बाल व्हाइट हो रहे हैं, उसके बारे में सब जानेंगे शॉर्ट में लेकिन डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू वांट टू नो अबाउट हेल्थ एंड हैव हेल्थ कंसर्न्स, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. You'll be notified about all upcoming videos. So white hairs, क्यों होते हैं सफेद बाल? Why do you have graying of hair? See, there are three reasons, three basic reasons why hairs will get discolored. First reason is your genetics, your genes. If your genes have that you will lose your hair color, you will lose your hair color. Nobody can stop it, nobody can correct it. So first are the genes. So if your genes, genetics is a factor, कुछ नहीं हो सकता. अगर आपके genes में है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, color ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते. So genes, genetics is the one of the main reasons. अगर आपके family में सबके बाल जाते हैं तो आपके भी जाएंगे. अगर family में नहीं जाते हैं then think about other two. Second reason, environment. आपके आसपास क्या है? आपके आसपास dust, smoke, रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हीट, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं बाल खुले रख के और सारा डस्ट स्मोक, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, इससे बाल सफ़ेद होते हैं. दिस कॉजेज ग्रेइंग ऑफ हेयर्स. ऑलराइट, सो दैट इज़ अ सेकेंड रीज़न विच यू कैन कंट्रोल. थर्ड रीज़न, अच्छा वन मोर थिंग, इन दिस एक्सट्रीम एनवायरमेंट स्लीप एंड स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर. अगर आप ठीक से नहीं सोते, पूरी नींद नहीं लेते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ये भी करना है, वो भी करना है, यू आर नॉट स्लीपिंग, अ लॉट ऑफ टेंशन. कहते हैं ना, मेरे टेंशन से बाल सफ़ेद हो गए हैं. दिस डज हैपन्स, राइट? सो स्ट्रेस एंड स्लीप इज अ बिग फैक्टर. डिक्रीज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करिए, अच्छे से नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की कम से कम, राइट? देन थर्ड फैक्टर जो आपको देखना है, अगर ये भी नहीं है या इसको मैनेज कर लिया, तो थर्ड फैक्टर इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाल बनते हैं तो बनने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, यू नीड अ रॉ मटेरियल्स, राइट? सो बाल किस से बनते हैं, बाल किस किस माइक्रो मैक्रो कौन से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं बाल बनने के लिए, अगर उसी की कमी है, बेसिक कमी है, तो कैसे बनेंगे? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन्स. अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए है, ऑन एन एवरेज रिकमेंडेड अमाउंट इज 1 gram per kg. इफ यू आर 80 kgs, यू नीड 80 grams ऑफ प्रोटीन्स पर डे. 80 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, सिर्फ मेंटेन करने. बढ़ाना है तो और ज़्यादा, 1.5 times, 2 times, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना आप यूज कर रहे हैं. सो 80 ग्राम्स, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट अगर नहीं खा रहे हैं, तो 2-3 महीनों में योर बॉडी स्टॉप्स अननेसेसरी यूसेस ऑफ प्रोटीन. अननेसेसरी बाल कम बनेंगे तो मर नहीं जाओगे, सो योर बॉडी स्टॉप्स हेयर ग्रोथ. सो प्रोटीन की कमी की वजह से ना सिर्फ बाल वाइट होते हैं, बाल कम भी हो जाते हैं, सो वाइट भी हो सकते हैं. सो प्रोटीन की कमी पूरी करिए. देन देर आर सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4, जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम. ये कमी होगी तो गड़बड़. तो इसको खाइए, ज़्यादा खाइए, जो खाने पीने की चीज़ों में ये ज़्यादा है वो खाइए. विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, यू कैन डू दैट. एंड 2 more things, विटामिन B12, विटामिन D, अगर ये कम है तो भी हेयर वाइट होंगे. सो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए आपके. अगर प्रोटीन सही कर लोगे, जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, ऑल दीज थिंग्स आर गुड अमाउंट, टेकिंग गुड स्लीप, नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मैनेजिंग योर स्ट्रेस,
Straying away from bad environments, dust, smoke, radiation, heat, extreme temperatures, and all these things are done together, you will see good results. बाल के कलर भी वापस आएंगे. और क्या करना है? ऑयलिंग. ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट. जो लोग ऑयल नहीं लगाते, ड्राइनेस से भी बाल चले जाते हैं. लॉट ऑफ वॉशिंग, बहुत ही ज्यादा शैम्पू कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सो ड्राई हो जाएंगे, ड्राइनेस, वाइट हो जाते हैं. धूप में जहाँ बहुत ज्यादा जाने से वाइट हो जाते हैं. सो अ लॉट ऑफ सनलाइट, अ लॉट ऑफ हीट, अ लॉट ऑफ वॉशिंग ऑल्सो इज एन इशू. सो ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट. ऑयल योर स्कैल्प. ऑयल योर स्कैल्प. स्कैल्प ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट. डू सम हेड मसाजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. हफ्ते में दो बार तीन बार हेड मसाजेस करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट टू रीच देयर. ये सब खाओगे प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाउ विल दे रीच देयर? बाय ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई जहां भी मसाज करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. सो डू दैट. मसाज ऑन योर हेड रेगुलरली, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, योर हेयर्स विल बिकम हेल्दियर. सिंपल. उल्टा भी खड़े हो सकते हैं तो जो कैन, बिकॉज ग्रेविटी से ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगा. ग्रेविटी से, या माथा टेक के थोड़ी देर वहीं रुकिए, हेड में ब्लड जाने दो. सो दीज आर द थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल बेसिक्स विच यू नीड टू नो टू ग्रो हेयर्स एंड टू अवॉइड ग्रेइंग ऑफ हेयर्स. सो इतना ही है. देर इज नो अदर थिंग, नो अदर स्पेशल इंग्रीडियंट विच यू नीड, नो अदर केमिकल, नो अदर मेडिसिन विच यू नीड. जस्ट मेक श्योर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल बी गुड, राइट? इवन द बेस्ट मेडिसिन मिनोक्सिडिल जो लेते हैं हेयर फॉल के लिए, वो क्या करती है? जस्ट वैसोडाइलेट्स. वो सिर्फ आपके सर के अंदर जाने वाली खून की नसें खोल देती हैं, थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं, तो खून की सप्लाई बढ़ जाती है और इसलिए बाल ग्रो होने लग जाते हैं. दिखते हैं ना, फिर जैसे ही आप वो बंद करते हो, बाल ग्रो होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट आना बंद हो गया. दैट्स वाई ऑल इट नीड्स इज मोर ब्लड सप्लाई. सो फॉर मोर ब्लड सप्लाई, डू अ लिटिल मसाजेस, स्टिमुलेट द हेयर, टच योर हेड. दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? मसाजेस, ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट. स्लीप, स्ट्रेस मैनेज करिए. So that's all about graying hairs, and do share this video. Don't forget to watch our hair fall video. Right now it's available in English. Very soon it will be coming in Hindi. Hair fall ke upar aur bhi bahut sare videos aane wale hain slowly. So keep watching. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. I'm Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Thanks for being a part of this family. Stay connected, stay healthy.